Hello students, in this video I am going to explain you laws of exponents, rules of exponents. There are total 5 rules. The first rule, a raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m minus n. You have to remember this rule. Now what it tells us, a is base and m is power. So here the power of a is m and here the power of a is n. If you notice, in dono mein base jo hai wo a, matlab ki base same hai, base common hai. To jab bhi is tarah ka koi form mile ki jisme base equal ho lekin power alag alag ho, तो उस टाइम पे बेस को एक ही बार लिखो और पावर का सब्ट्रैक्शन कर दो. जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है बेस एक ही बार और पावर को कर दिया m माइनस n सब्ट्रैक्ट. सी द एग्जांपल 11^5 11^3 दोनों में बेस जो है वो 11 है जो कि इक्वल है. पावर्स अलग अलग है. सो राइट डाउन 11 and subtraction of powers 5 minus 3 will give us 2. So answer is 11 raised to 2. Now the question is why we are doing this subtraction. To uska answer niche hai. Dekho 11 raised to 5 hai wo 11 ka 5 times repeated multiplication hoga. 11 into 11 into 11 5 times. And in denominator 11 raised to 3. So 11 will multiply 3 times. Now as you know, we can cancel this 11 and this 11. Now 11 into 11 will remain. That is nothing but 11 square. So ye wali method har time karni theek nahi hai. Kyunki yahan to power theek hai ki 5 aur 3 hai. Agar power bade ho, jaise ki 11 raised to 50 and 5 raised to 30. So every time it is not convenient to do this method. 50 times 11 ko likha jaye, niche 30 times 11 ko, fir cancel karo aur baki bache 11 ko count karo. That's not convenient way. So that's why this is a rule. Jab bhi aisa koi format mile, to directly powers ko subtract kar do. You will get the answer 11 raised to 2. कभी कभी ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर का पावर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा हो. फॉर एग्जाम्पल 23^9 अपॉन 23^13. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बेस जो है वो इक्वल है, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन करने जाओगे तो 9 इज स्मॉलर देन 13. सो इन दिस केस 23^9 माइनस 13 विल कम. सेम मेथड जैसा कि हमने 5 माइनस 3 किया था, वैसे ही हम यहाँ 9 माइनस 13 करेंगे. एंड एज वी नो द रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हियर 9 इज पॉजिटिव 13 इज नेगेटिव, तो होगा सब्ट्रैक्शन लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर की लगेगी, तो माइनस 4 आएगा. अब इसका भी एक मेथड मैंने नीचे बता के रखा है. 23^9, सो 9 टाइम्स 23 विल कम इन न्यूमरेटर. And 23^13, so 13 times 23 will come in denominator. फिर 9 times तो 23 cancel हो जाएगा, तो denominator में 4 times 23 बचेगा. That's why 1/23^4 will come. Numerator में तो सब कुछ cancel हो गया, तो ऊपर बचा 1 and in denominator it is 23^4. अब क्योंकि पावर जो है वो 1 के डिनोमिनेटर में है, तो इसका रेसिप्रोकल मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया है कि पावर हो जाएगा नेगेटिव अगर आप इसे ले जाओगे ऊपर. सो इट इज सेम एज 23^-4. तो ये वाली मेथड लंबी सी करना ठीक नहीं है. दैट्स व्हाई यू जस्ट रिमेंबर दिस रूल कि जब भी ऐसा फॉर्मेट मिले आप पावर्स को माइनस कर दो. द आंसर, द पावर ऑफ द आंसर कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, दोनों ही हो सकते हैं. अगर आपके न्यूमरेटर का पावर बड़ा है तो आंसर आपका पावर आपका पॉजिटिव रहेगा. अगर आपका डिनोमिनेटर का पावर बड़ा है तो जो आंसर है उसका पावर आपको नेगेटिव मिलेगा.
दैट वॉज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, यहाँ पर इन दोनों का डिविजन था ना, अब यहाँ पर सेम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन. अगर डिविजन है तो हम माइनस कर रहे हैं. देन इफ देर इज मल्टीप्लीकेशन बिटवीन दैम वी हैव टू एड द पावर्स. याद रखो, डिविजन में आप माइनस करते हो, मल्टीप्लीकेशन में एड करो पावर को. 7 रेस टू 3 इंटू 7 रेस टू 2 इज इक्वल टू 7 रेस टू 3 प्लस 2, दैट इज 7 रेस टू 5. ऐसा क्यों किया? 7 रेस टू 3 मतलब 3 टाइम्स 7, 7 रेस टू 2 मीन्स 2 टाइम्स 7, तो टोटल कितनी बार हुआ? 7, 5 टाइम्स नो. सो 7 इज रिपीटेडली मल्टीप्लाइंग 5 टाइम्स, दैट्स वाई इट इज 7 रेस टू 5. वन मोर एग्जाम्पल, 10 स्क्वायर इंटू 10 रेस टू 4, एड दिस 2, सो यू विल गेट 10 रेस टू 6. वाई? 10 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स 10, 10 रेस टू 4 मीन्स 4 टाइम्स 10, तो टोटल हो गया ना 6 बार, सो 10 रेस टू 6. तो ये वाले मेथड हम हर टाइम नहीं करेंगे, जस्ट ये रूल याद रख लो, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6. नेक्स्ट, ए रेस टू एम रेस टू एन, ए इज बेस, एन इज द पावर एंड एन इज पावर ऑफ पावर, एन इज पावर ऑफ पावर. तो ऐसा जब भी हो पावर ऑफ पावर वाला फॉर्म, यू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द पावर्स, एम एंड एन विल मल्टीप्लाई, सो ए रेस टू एम एन. लेट अस सी द एग्जांपल, 3 रेस टू 2 एंड रेस टू 4, 3 का पावर है 2, 2 का भी पावर है 4, तो इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू जा 8, 3 विल रिमेन एज इट इज, जस्ट मल्टीप्लाई बोथ पावर्स, सो 3 रेस टू 8. 5 raised to 3, 3 also raised to 2. So in this situation, just multiply these two. 3 2s are 6. So here 5 raised to 6 will be the answer. Similarly, 10 raised to 4 and raised to 7. So multiply these two, you will get 28. 10 raised to 28. This was the third rule. Fourth rule, A raised to M upon B raised to M. Now, if you will see carefully, यहाँ पर दोनों के पावर्स जो है ना वो सेम है. देखो यहाँ पर भी पावर m, यहाँ पर भी पावर m, तो डिफरेंस कहाँ पर है? इसका बेस देखो a और इसका बेस देखो b, दोनों के बेसिस अलग अलग है, पावर्स जो है वो इक्वल है. तो पावर्स आर इक्वल बट बेसिस आर डिफरेंट, तो इन दैट केस ये पावर जो है वो दोनों का सेम है ना, तो दोनों को जनरली कंबाइंडली, दोनों को कंबाइंडली एम पावर दे दो. फॉर एग्जांपल, 10 ऑल्सो रेस टू 4, 7 ऑल्सो रेस टू 4, दोनों का पावर इक्वल है तो दोनों को एक साथ ही आप ऐसे 4 दे दो, 10 बाई 7 होल रेस टू 4. 13 ऑल्सो रेस टू 7, 11 ऑल्सो रेस टू 7, तो 13 बाई 11 एंड होल रेस टू 7. दिस इज योर फोर्थ रूल. And last one, A raised to 0 is 1. It means anything raised to 0 is 1. किसी का भी पावर अगर 0 दे दो, 10 का 0, 1, 11 का 0, 1. कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1. That was your fifth rule. So, rules. These 5 rules are given in your textbook. That's all about the rules. Thank you.